खबर है यूपी के जनपद अयोध्या से। झाड़ू लगाओ गंदगी बगाओ के नारे के साथ आम आदमी पार्टी ने बीकापुर नगर पंचायत में अपने पदाधिकारियों व आम कार्यकर्ताओं के साथ रोड मार्च निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति, विधानसभा बीकापुर के उम्मीदवार रहे सुनील श्रीवास्तव, अशोक गौड़, नुमान अहमद, विनोद रावत, शिव प्रसाद यादव, आशीष कुमार, मीना निषाद, अवध नरेश, मोहम्मद अजीम सहित बड़ी संख्या में उपस्थित आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए प्रेस वार्ता की। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकास समिति के अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे सफाई अभियान के तहत शिद्दत के साथ नगर पंचायत में नगर निगम के चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है। कहां धमाका होगा इस बार? आम आदमी पार्टी पिछले अभी जो चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश का हुआ था उसके सिलसिले में पहली बार हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में उतरी थी। उसी सिलसिले में इस बार हम लोग आम आदमी पार्टी जो नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव होने वाला है, नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, इसको लेके हम लोगों ने कार्यक्रम 3 नवम्बर से स्टार्ट किया, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सांसद संजय सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष सवाजी सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ के अभियान में जो नगर निगम और नगर पालिकाओं में गंदगी फैली हुई है और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिस तरह की गंदगी हमने आज देखा बीकापुर नगर पंचायत में 6 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम किया और यहाँ पे झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री अनिल कुमार प्रजापति जी, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, माननीय प्रभारी हर्षवर्धन जी हैं, तो अब लोग आज यहाँ पे स्वच्छता अभियान उसी सिलसिले में जिस तरह दिल्ली को मैंने चमन किया है, दिल्ली को साफ सुथरा एक रोल मॉडल दिल्ली को प्रस्तुत किया, अच्छा अस्पताल, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई, उसी तरीके से मैं उत्तर प्रदेश को भी नगर निगमों में स्वच्छ, साफ और अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, नाली, सड़क को हम करना चाहते हैं।